17 तक, 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूपी में बन पाए थे, और आज उत्तर प्रदेश में 45 मेडिकल कॉलेज बनकर के गवर्नमेंट सेक्टर में 45 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, 20 में बनने की प्रक्रिया के अंतिम चरणों में हैं, और जो 14 बाकी जो बाकी जनपद बचे हुए हैं उन जनपदों में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के अंदर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जिसको उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में लिया, इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस देश के अंदर यह देश आजादी के बाद 1947 से लेकर के 98-99 तक केवल एक एम्स के भरोसे चलता था। सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के अंदर 6 नए एम्स दिए, इनकी संख्या कुल 7 हो पाई थी, लेकिन मोदी जी ने अपने समय में एम्स की संख्या को बढ़ा करके आज 22 कर दी है। 22 नए एम्स आज देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में है, और मैं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को इस बात के लिए हृदय से श्रद्धांजलि दूंगा कि उन्होंने अपने गांव में इस आयुर्विज्ञान संस्थान को स्थापित किया। वास्तव में आप मुझे बताइए, अगर यह विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय यहां नहीं बनता तो क्या पूरा लघु भारत के दर्शन यहां पे हो पाते? अभी मैं देख रहा था, नियुक्ति पत्र वितरण कर रहा था, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई उड़ीसा से है, कोई इटावा से है, कोई उन्नाव से है, कोई सीतापुर से है, कोई लखनऊ से है, और आपने भी जितने छात्र छात्राएं हैं, पहले लोग सेफाई और इटावा के नाम से ही डरते थे। लेकिन जब पूरा लघु भारत यहां पे आया तो लघु भारत के कारण लोगों का इंटरेक्शन, एक संवाद, बहुत बार इस संवादहीनता के कारण ही संघर्ष होता है, गलतफहमी होती है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत ही होती है कानाफूसी करने की, वे करते कुछ नहीं है, वे केवल कानाफूसी से ही अपना पूरा जीवन काट लेते हैं, और अपना जीवन तो काटते ही दूसरे के जीवन में भी ब्रेकर बनते हैं। लेकिन आज आपने देखा होगा कि पूरे देश से छात्र भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, और साथ ही साथ यहां पर कार्मिक भी, मेडिकल की फैकल्टी भी है, स्टूडेंट भी हैं, यहाँ के कार्मिक भी हैं, वो अलग 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 क्षेत्रों से आकर के यहाँ पे अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, और नज़दीक से समझने जानने का अवसर मिल रहा है, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की सृजन की भी संभावनाएं इससे बढ़ती हैं, और सचमुच एक अच्छी सोच है। इस अवसर पर आयुर्विज्ञान संस्थान तेजी के साथ अपना कार्य आगे बढ़ा रहा है। वास्तव में आज की आवश्यकता है, और मुझे प्रसन्नता है कि ग्रामीण क्षेत्र के इस आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ समय से सरकार के स्तर पर दिए गए प्रयासों का परिणाम आज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक यहां पे अच्छे ढंग से क्रियाशील हो चुका है और होने की ओर अग्रसर भी है। याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास पुराने 7 मेडिकल कॉलेजेस थे, उन 7 मेडिकल कॉलेजेस में सामान्य मेडिकल कॉलेज चलता था, यूजी पीजी की क्लासेस चलती थी, सुपर स्पेशलिटी का कोई भी इस प्रकार का ब्लॉक नहीं था। 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इन 7 के लिए सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक स्वीकृत किए,
इसमें गोरखपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, प्रयागराज, झांसी, इन सभी जनपदों में सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक बने। आज वे सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट को वहीं पे लोकल स्तर पर ही वे सुविधाएं प्राप्त होती हैं, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त होती हैं, कार्डियो का हो, न्यूरो का हो, नेफ्रो का हो, ऑन्कोलॉजी का हो, ये सभी सुविधाएं उनको वहां पे प्राप्त होने लगती है। तो एक जगह भीड़ होने से बचती है। देश के अंदर अलग अलग कोने में एम्स की स्थापना के पीछे भी प्रधानमंत्री मोदी जी की ही मंशा है कि ये देश के अंदर स्थानीय स्तर पर लोगों को सुविधा प्राप्त हो और साथ ही साथ उसको फैसिलिटेट करने का काम भी पहली बार हो पाया। आपने देखा होगा कि अब पिक एंड चूज नहीं होता है, ये मेरा है, ये पराया है, ये भी नहीं होता है। एक सभ्य समाज में मेरा और तेरा का भाव यह उसको कलंकित करता है, अपमानित करता है। एक सभ्य समाज का सबसे बड़ा विकास का रोड़ा है ये। सबके लिए काम होना चाहिए और मोदी जी ने आने के पहले ही नारा दे दिया था, सबका साथ और सबका विकास। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत की योजना भी उसका एक उदाहरण है। 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोगों को इस सुविधा का लाभ देने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ से अधिक लोगों के ये आयुष्मान के कार्ड बनने हैं और उसमें से 5 करोड़ लोगों ने अब तक अपने कार्ड बना लिए हैं। शेष को बनाने की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ जोड़ा जा रहा है। यानी ये चीजें दिखती हैं और लोग कितने तेजी के साथ उसका लाभ ले रहे हैं। मैं तो देख रहा था कि अगर सेफई के इस ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने 6 करोड़ से अधिक आयुष्मान में लाभ दिया है लोगों को, तो इस क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा इसका लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है, लाभ प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा लोगों को रहता है कि मैं पैसा बचा रखूंगा तो ये बाद में काम आएगा। उसको मालूम नहीं कि हर 5-5 लाख रुपए की सुविधा उसको हर साल मिलनी है, उसमें कोई समस्या नहीं। अगर 5 लाख है तो फिर से आवेदन करें, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम पैसा उनको दिला देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। उपचार के लिए पैसे की कमी नहीं है। आज 108 और 102 के रिस्पॉन्स टाइम को स्वास्थ्य विभाग ने कम कर दिया। जो पहले आधा घंटा 45 मिनट लगता था और पेशेंट के लिए जो गोल्डन आवर होता था वो चूक जाता था, समय पे कार्डियक वैन नहीं थी। मुझे याद है भारत सरकार 2014 में कार्डियक वैन उपलब्ध कराना चाहती थी हर जनपद को, हर राज्य को, उत्तर प्रदेश ने नहीं लिया उन्होंने। हम लोग 17 में आए तो मुझे जानकारी मिली कि भारत 100 कार्डियक वैन उपलब्ध कराना चाहती है, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस उपलब्ध कराना चाहती है। मैंने अपने स्वास्थ्य मंत्री से कहा, मैंने कहा एक काम करो, तुरंत प्रस्ताव लेके जाओ और 150 एक महीने के अंदर 150 हमें एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस मिली हर जनपद को, हमने 2-2 दे दी। फिर हमने और आवेदन किया, फिर 100 और मिल गई। आज आप देखते होंगे हर जनपद में जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस 4-5 हर जनपद में मौजूद है। आप सोचिए, आप तो डॉक्टर हैं, आप इसकी कीमत को, इसके मायने को समझ सकते हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या कार्डियक अरेस्ट किसी को हुआ है, उसका पहले घंटे की कीमत क्या होती है, गोल्डन आवर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। और उस समय आज मुझे प्रसन्नता है, जिस राज्य में केवल 4-5-6 ही इस प्रकार की कार्डियक वैन थी, आज उस राज्य में हर जनपद में 75 के 75 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध है और लोग उसके लाभ ले रहे हैं। मैंने जब पहले वर्ष ही इसके आंकड़े देखे, मैंने कभी क्या लाभ इससे हुआ है, हजारों लोगों की जान को बचाने में इससे मदद मिली थी, हजारों लोगों की जान को बचाने में।
108 और 102 के रिस्पांस टाइम को कम किया गया, पता लगा 45 मिनट की बात आ रहा, आधे घंटे के बाद आ रही, उसको कम करके 9 से 10 मिनट के अंदर करने का प्रयास हुआ है। इतनी देर के अंदर और फिर राज्य मुख्यालय से ही उसकी मॉनिटरिंग होती है, एक जगह में बैठ करके ही पता लग जाएगा कौन सी एम्बुलेंस कहां पर है। ऐसा नहीं कि वह इटावा से उसे सेफई आना है और वो पता लगा कानपुर की तरफ भाग रहा है, मॉनिटर हो जाएगा एक जगह से बैठ करके, आप मॉनिटर कर सकते हैं, वहीं से उसको मैसेज भेज सकते हैं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। पता लगा एम्बुलेंस हॉस्पिटल के बहाने हॉस्पिटल न जाकर के कोई और ही काम में लग व्यस्त है, तो उन कार्यों से भी उसको मुक्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया और आज उसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। हर जिले में डायलिसिस की सुविधा, 75 के 75 जनपदों में आज उत्तर प्रदेश वासियों के लिए फ्री में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी आज स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। यानी इतनी सुविधा कॉमन मैन को कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली, और इसका सर्वाधिक लाभ पेशेंट को तो होता ही है लेकिन आप सबको भी इसका लाभ होता है, क्योंकि आपको एक डॉक्टर को जैसे एक पिता को इस बात पर खुशी होती है उसका पुत्र सफलता की नई मंजिल चढ़ रहा है, एक गुरु को इस बात में सब अच्छी खुशी होती है, उसको आत्मिक संतुष्ट होता है कि उसका शिष्य अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे एक डॉक्टर इस बात से संतुष्ट होता है कि उसने जिस पेशेंट का उपचार प्रारंभ किया है उसके रिजल्ट बेहतर आए हैं, अच्छी दिशा में स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो सरकार के द्वारा जो फैसिलिटेट किया जा रहा है, जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, इसका सर्वाधिक लाभ पेशेंट के साथ साथ आपको भी प्राप्त हो रहा है। यह ग्रामीण क्षेत्र का एक आयुर्विज्ञान संस्थान है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार कोई भेद नहीं करती, मुझे याद है पिछली सरकारों ने इस आयुर्विज्ञान संस्थान को नारे छोड़ करके शुरू तो कर दिया था लेकिन काम के लिए पैसा नहीं दिया था, टोकन मनी दिया था, टोकन मनी में 1,00,000 रुपया दिया जाता था। अब तो 500 करोड़ जहां लगना वहां 1,00,000 से काम होता है क्या? तो ऐसे ही होता फिर तो हम भी बोलते हुए डॉक्टर से सबसे कहते हुए काम करते हैं कि आप टोकन मनी वेतन के रूप में देते हैं, आप जो है बाद में कभी ले लेना, जब हमारे हम नहीं रहेंगे तब बाद में।